हे एवरीवन, आज हम एक नया और इंटरेस्टिंग टॉपिक लेकर आए हैं, ओल्ड इंग्लिश लिटरेचर की कहानी। दोस्तों, ओल्ड इंग्लिश लिटरेचर को एंग्लो सैक्सन लिटरेचर भी हम कहते हैं, और एंग्लो सैक्सन लोग जो थे, जो ग्रेट ब्रिटेन में 5th सेंचुरी से इंग्लैंड में आकर के बस गए थे, ये वही लोग थे। अब आप सोच रहे होंगे एंग्लो सैक्सन एक्चुअल में थे कौन। तो फ्रेंड्स, एंग्लो सैक्सन वो लोग थे जो जर्मनी से आकर के लगभग 450 एडी में इंग्लैंड पर इन्होंने आक्रमण किया था, और ग्रेट ब्रिटेन में आकर के ये वहां पे बस गए थे। सो गाइस, एंग्लो सैक्सन एक जर्मेनिक ट्राइब्स है जिसमें तीन पार्ट हैं, मतलब तीन टाइप के लोग हैं, एंगल्स, सैक्सन्स एंड जूट्स, ये सभी शामिल हैं। ये लोग अपनी अपनी भाषा और संस्कृति साथ लेकर आए थे और यहां पर आकर के ये बस गए थे। लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि एंग्लो सैक्सन लोग क्रिश्चियनिटी में विश्वास नहीं करते थे, बल्कि वे पेगन धर्म को मानते थे। तो पेगन बेसिकली वो लोग होते हैं गाइस जो भगवान में विश्वास नहीं करते। लेकिन हुआ क्या, फिर आया सेंट अगस्टिन, और 597 एडी में उनके आने से देश का अधिकांश हिस्सा जो था क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट हो गया। दोस्तों, इस युग के साहित्यिक गुणों की अगर हम बात करें तो ओल्ड इंग्लिश भाषा या एंग्लो सैक्सन मॉडर्न इंग्लिश का आधार है। एंग्लो सैक्सन जो लोग थे वो ओल्ड इंग्लिश में बात करते थे, जो स्थानीय ब्रिटोन भाषा और उनके साथ लाई गई जर्मेनिक जाति की भाषा का मिश्रण था। दोस्तों, सॉन्ग्स और पोएट्री एंग्लो सैक्सन समाज में बहुत मतलब महत्वपूर्ण थी। कविताएं उस टाइम पे ओरली बोली जाती थी मौखिक रूप से, लेकिन फिर बाद में 733 एडी में रिटन फॉर्म में भी यूज होने लगी। एंग्लो सैक्सन समाज का एक बहुत महत्वपूर्ण पार्ट होता था, उसको कवि बोलते थे उस टाइम पे, उसको स्कूप भी बोलते थे, SCOOP, जो अपने पोएम्स एंड सॉन्ग्स में दोस्तों सामाजिक और सांस्कृतिक मूल्यों की चर्चा करते थे, और कविताओं में वो काफी यूज करते थे, जैसे सेसोरा, अलिटरेटिव वर्स एंड कैनिंग का इस्तेमाल बहुत ज्यादा करते थे। कैनिंग गाइस एक ऐसा व्याकरण है जिसमें दो शब्द को मिलाकर किसी व्यक्ति या वस्तु का चित्रण किया जाता है, जैसे व्हेल रोड समुद्र के लिए एक कैनिंग है, एंड यू नो स्वैन रोड फॉर सी, गॉड्स बैकन फॉर सन। फ्रेंड्स, एब्स्ट्रैक्ट आइडिया भी यहां पर यूज किए जाते थे। एब्स्ट्रैक्शन मीन्स वो चीजें जो हम छू नहीं सकते या देख नहीं सकते, लेकिन सिर्फ महसूस कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, प्यार हो गई, वीरता हो गई, ये सब भी चीजें। तो ये थी दोस्तों पुरानी इंग्लिश साहित्य की कहानी, जहां एंग्लो सैक्सन ने एक नई दुनिया की शुरुआत की। कैसी लगी आपको ये कहानी, हमसे अपने विचार जरूर शेयर करें कमेंट सेक्शन में दोस्तों। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद एंड गुड बाय स्टूडेंट्स।